तो आज है 18th September 2022 और आज जो है दो दिन बाद, आज से सिर्फ दो दिन बाद जो आप देखेंगे कि फाइनली जो है पेंडिंग फाउंडर पोजीशन भी जो है वो पूरी तरह से क्लोज हो जाएगी। मतलब 22nd जून से तो आप देखे होंगे कि भाई हमारा जो न्यू रजिस्ट्रेशन है वो तो टोटल बंद हो गए थे और आप किसी को भी फाउंडर नहीं बना सकते थे, लेकिन पेंडिंग फाउंडर पोजीशन लेकर के अभी तक हमारे पास ये जो ऑप्शन चला आ रहा है, अब उसमें ज्यादा वक्त नहीं बचा है, कुछ ही घंटे बचे हैं, उसके बाद में फाइनली जो है पेंडिंग फाउंडर पोजीशन जो है टोटली क्लोज हो जाएगी। मतलब अब आप पेंडिंग फाउंडर पोजीशन लेकर के भी है फाउंडर नहीं बन सकते हैं। तो आपके लिए जो अब टाइम बहुत कम बचा है, तो आपके जितने भी नियर एंड डियर है उनको आप ले आइए, जबरदस्ती नहीं, अगर वो समझ पाते हैं तो ठीक है, नहीं समझ पाते हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी अपने आप को जो है आप एक्टिव रखिए और उन लोगों को भी अपनी लिस्ट में रखिए जो फाउंडर नहीं भी बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले वक्त में डेफिनेटली वो कस्टमर या रीसेलर हमारे बन के आएंगे ही आएंगे, या उनका आना मजबूरी होगा, राइट? तो उनको भी अपनी लिस्ट में शामिल रखिए। देखिए भाई, टाइम बहुत कम बचा है और जस्ट मैं आपको एक रिमाइंडर मार रहा हूँ कि देखिए अब हमारे पास टाइम भी कम है और साथ ही साथ एक चीज़ और आ रही है, अभी एक प्रॉब्लम कभी कई बार क्रिएट हो रहा है कि हम जब पेंडिंग फाउंडर पोजीशन किसी और को ट्रांसफर कर रहे हैं, जो उसके बाद में कंप्यूटर जनरेट जो पासवर्ड आ रहा है उसमें कई बार दिक्कत आ रही है कि आप उसको लॉग इन कर रहे हैं तो बार बार वो कैंसिल हो रहा है या फिर वो उसमें टाइमिंग का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि देखिए इसमें थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, कभी कभी क्या होता है डिलेट होता है, कुछ हो जाता है, इस वजह से जो डिले होने की वजह से आप उसे खोल नहीं पाते, फिर हम 2-3-4 बार करते हैं तो फिर उसमें 10 मिनट ऊपर हो जाता है। इस कंडीशन में एक काम करिए, अगर ऐसा बार-बार हो रहा है तो आप सिंपली रीसेट पासवर्ड करिए, जो आपका पेंडिंग फाउंडर पोजीशन आपने लिया हो जीमेल आईडी में लिख दीजिए और उस पर रीसेट पासवर्ड पे क्लिक कर दीजिए तो आपका न्यू जो है कंप्यूटर जनरेट पासवर्ड आ जाएगा। ये मैंने भी किया है कई बार, तो ये बड़ी आसानी से हो गया है, तो इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपका जो पुराना कंप्यूटर जनरेट पासवर्ड दिक्कत दे रहा है तो रीसेट पासवर्ड में जाकर के सिंपली जो है आप रीसेट पासवर्ड कर दीजिए और नया आपका कंप्यूटर जनरेट पासवर्ड आ जाएगा, फिर आप उसे जो है आसानी से पेमेंट कर सकेंगे, तो ये आपको फिर इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो आपके जितने भी नियर एंड डियर हैं उनको आप एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए, जबरदस्ती किसी को मत इसमें लाइए। और इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखिए कि आपको जो पेंडिंग फाउंडर पोजीशन मिल रही है वो 2020 की हो, 21 की हो, 22 की हो, वो अभी मायने नहीं रखता है, भी इंपॉर्टेंट है आपका ऑन पैसिव में इंटर करना जिन भी आप लोगों को लेकर के आ रहे हैं। जहां कहीं से भी आपको पेंडिंग फाउंडर पोजीशन मिल जाती है अपने नियर एंड डियर के लिए तो आप उन्हें लेकर के जस्ट आ जाइए। और एक चीज का ध्यान रखिए, इस पर भी बार बार मैंने वीडियो बनाया है और बार बार अलर्ट किया गया है कि भैया देखिए कोई भी जो बंदा है अगर पेंडिंग फाउंडर के नाम पर, मतलब कि आप जो पेंडिंग फाउंडर पोजीशन जो होती है फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर होती है, उसमें एक रुपए भी नहीं लगता, एक सेकंड के अंदर वो ट्रांसफर होती है, आपने आपका जीमेल आईडी डाला और आपने वहां पे मोबाइल नंबर डाला है, आपने नाम डाला और ट्रांसफर बटन जैसे ही दबाएंगे तो एक सेकंड के अंदर जो है सामने वाले के उसमें वो ट्रांसफर हो जाएगी। इसमें कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ता है, मतलब एक रुपए भी आपको जेब से नहीं देना पड़ते। लेकिन कई लोग जो है पेंडिंग फाउंडर के नाम पर आपसे अगर कोई पैसा मांगता है कि इतने रुपए इतने 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 दे दे, भैया किसी को मत देना, उससे ज्यादा तो मतलब उसने तो बहुत बड़ा फ्रॉड कर ही रहा है, लेकिन उससे भी बड़ी गलती आप कर रहे हैं। ये मैं बार बार इसलिए वीडियो बनाता हूं कि ऐसे लोगों को ना एक रुपया देना है ना कुछ करना है, पेंडिंग फाउंडर पोजीशन फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब इसमें एक रुपये भी नहीं लगता है और इसमें आपको ज्यादा जो है माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। कि अगर कोई बंदा पैसे मांग रहा है तो उसके खिलाफ आप बिल्कुल रिपोर्ट में जाके रिपोर्ट कीजिए legal@onpassive.com पे, या फिर जो है आप वो बंदे को छोड़ दीजिए और जो सही जेन्युइन बंदा है उससे आप ले लीजिए, जो सिर्फ ट्रांसफर कर देगा, आपको एक रुपया भी नहीं लेगा, राइट? और बाद में फिर एक्टिवेशन करना वो आपके ऊपर है, क्योंकि टाइम वैसे भी बहुत कम बचा है और अराउंडली आपके मान के चले कुछ घंटे बाकी हैं। तो दोस्तों एक्टिवेट रहिए, एक्साइटेड रहिए और इस टाइप के लोगों से बिल्कुल बचिए जो गलत काम कर रहे हैं। और आप ज्यादा वक्त तो बचा नहीं है, इस वजह से जो है अब इतना कुछ होने के चांसेस होंगे भी नहीं, क्योंकि 20 तारीख के बाद शायद हम ऑन पैसिव को कुछ और अलग लेवल में देखेंगे। तो आप कुल मिला के मानिए कि जो डेडलाइन है वो 20 सितंबर ही है, अगर ईएसटी टाइम की बात करते हैं तो 20 सितंबर को लास्ट डेट माना जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल ये एक रिमाइंडर था आप लोगों के लिए और बस उस इतिहास का आप एक पन्ना जो है बनेंगे फ्यूचर में आकर के सारे फाउंडर जो हैं, और एक हम नए अध्याय को लिखने जा रहे हैं। लेकिन एक बार मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए आप सब कुछ है, सब कुछ कर रहे हैं, आप सिर्फ इस चीज का वेट कर रहे हैं कि भैया ऑन पैसिव आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन आप अपना अगर टीम नहीं है, आपके कोई भी लोग नहीं है, यार घबराओ मत, अपना जो लॉग इन आईडी है उसको सिर्फ क्लिक करते रहो, क्योंकि यहां पर सबसे
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपका एंगेज रहना बहुत ज्यादा जरूरी है ऑन पैसिव के साथ में, आपका टीम हो चाहे नहीं हो। भाई कम से कम दिन भर में इतनी सारी चीजें आप चलाते हो, मोबाइल पे एक्टिविटी करते हो, तो क्या आप दिन में सिर्फ एक से दो बार तीन बार जो है क्या ओ फाउंडर की साइट को लॉग इन नहीं कर सकते क्या? इससे ज्यादा आसान काम कुछ है नहीं। बस इतना तो एक्टिव रहो यार, फ्यूचर में इसका भी बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा।